एंड वेलकम टू माय चैनल, आई एम नसीमा। और आज मेरा मटेरियल शॉपिंग के लिए अभी मैं निकल रही हूँ। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गीता कॉलोनी, जहाँ पे न्यू दिल्ली प्लाईवुड्स, मैंने पहले भी इसका वीडियो में डाला हुआ है, वहाँ जा रही हूँ। और मुझे आज काफ़ी सारा लैमिनेट, लूअर्स एंड फिनिशिंग, वुड फिनिशिंग मटेरियल फाइनल करना है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज काफ़ी सारा मटेरियल हम फाइनल करेंगे। तो आई एम गोइंग टू चेक यू ऑल देयर। और अगर टाइम मिलेगा, सी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मटेरियल फाइनलाइजेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर फिर भी मुझे टाइम मिला देन आई विल गो टू माई कटकडू मश साइट, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो मुझे बस एक बार चक्कर मारना है कि क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है फिनिशिंग का एंड ऑल। तो आई, अगर मेरे पास टाइम रहा तो आई विल टेक यू देयर एज वेल। सो अभी मैं जा रही हूँ। तो पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम नसीमा, आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, और इस चैनल में मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा वीडियो देखो, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है जब मैं देखती हूँ सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, यही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, गिव इट अ लाइक एंड कमेंट सेक्शन में भी बताना कैसा लगा मेरा वीडियो। तो लेट्स गो। यहाँ पे हम वीनियर को फाइनल कर रहे हैं। और वीनियर पे जैसे आपको एग्जैक्ट कलर नहीं पता चलता है वीनियर का, जब रॉ फॉर्म होता है तो उसमें आप पानी लगा के इस तरह देखते हैं, पानी डाल के या पानी को इस तरह के वाइप करके, तो आपको वीनियर का क्या फाइनल कलर आने वाला है, नेचुरल कलर क्या है वीनियर का, आपको पता चल जाएगा। ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, इसके ग्रेन्स एंगुलर हैं, ये कस्टमाइज किया जाता है वीनियर पे। इस शॉप में मुझे दिखा, जैसे आप डोर बनाना चाहते हो तो इसको आप एज इट इज़ भी ले जाओगे, तब भी वो बहुत अच्छा लगेगा डोर्स में। यहाँ पे भी हमने ये वाला हमने फाइनल किया है, क्योंकि इसमें नॉट्स कम थे और जो हमारी डिज़ाइन थीम थी उसमें नॉट्स कम, और मतलब वर्टिकल ग्रेन्स के हिसाब से हमारे डोर्स के चलेंगे। तो ये हमने अपना वीनियर फाइनल किया है। तो दिस इज़ हाउ द शोरूम इज़, ये ऊपर वाला स्पेस कैसा है यहाँ का। मैं घर पहुँच गई हूँ और वहाँ पर इतना टाइम लग गया मटेरियल फाइनलाइज करते करते कि अंधेरा हो गया। फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, कंटिन्यू नहीं किया, बिकॉज टाइम ही नहीं था। हम काफ़ी देर से गए थे और फिर वहाँ पे ऑलरेडी मैं 4 घंटा लग गया, और बहुत मतलब काफ़ी कुछ हमने फाइनल कर लिया लेकिन काफ़ी कुछ रह भी गया है। तो इसलिए हम वहाँ से मेरा मेन फोकस यही था कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके मटेरियल फाइनल करो। और तो मैंने कुछ नए नए प्रोडक्ट्स देखे वहाँ पे, एंड ये बेस्ट लगता है मुझे मटेरियल शॉपिंग जब भी करने निकलती हूँ। मुझे पहले ऐसा था कि मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पता रहती थी, लेकिन अब ऐसा होता है कि हाँ, मुझे नया देखने को नहीं मिलता, बहुत बहुत रेयर मुझे देखने को मिलता है, लेकिन आज मुझे काफ़ी कुछ नया मटेरियल मार्केट में देखने को मिला है, एंड आई रियली रियली लव्ड इट। तो मैं सोच रही थी उसका इंस्टाग्राम शॉर्ट बनाऊंगी, लेकिन अफसोस मुझे टाइम ही नहीं। रियान को बर्दाश्त नहीं होता मैं वीडियो बनाऊं तो। कहाँ है कैट? ये रहा कैट। ओहो, अरे वाह,